हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल लड्डू। ये कलरफुल बनाए हैं मैंने, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं और इस रेसिपी को सिर्फ 10 मिनट में ही आप बना सकते हैं। ये सिर्फ 10 मिनट में बिना मावा, बिना किसी झंझट के बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं नारियल लड्डू। बनाने के लिए हमने यहाँ 2 कप नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड नारियल लिया है। 1 कप मैंने यहाँ नॉर्मल दूध लिया है, इसको मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ कलर लिया है और 3/4 कप मैंने यहाँ बारीक चीनी यानी कि पिसी हुई चीनी ली है। यहाँ मैंने गैस पे पैन रख दिया है और यहाँ मैंने नारियल बुरादे में दूध मिक्स कर दिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है क्योंकि इसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। हमें इसको 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाना है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी के डालेंगे ताकि नारियल का बुरादा अच्छे से भुन जाए। तो चलिए इसको चला लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। गैस को बिल्कुल लो रखना है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी, आप नॉर्मल चीनी ले सकते हैं या आप मिक्सी में चलाकर इसको पीस कर पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए, अब मेल्ट होती जाएगी तो अच्छे से नारियल बुरादा अच्छे से फ्लफी होता जाएगा। देखिए, हो गया ना पहले से बहुत पतला पतला। इसको हमें कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छे से चलाना है। देखिए, चेक कर लेते हैं। अभी ये 1 से 2 मिनट और चलाना है। देखिए, अब ये पहले से बहुत अच्छा हो गया है, ये बनकर रेडी है बिल्कुल। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम बंद करेंगे। क्योंकि हमने कलरफुल लड्डू बनाने हैं तो इसके हम 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट में से या तो आप अंदाजे से 1 पार्ट निकाल सकते हैं या फिर ऐसे करके आप 4 पार्ट करके इसका 1 पार्ट अलग बर्तन में निकाल लीजिए और ये बचे हुए में हमें कलर डालना है। या मैंने ऑरेंज रेड कलर लिया है, आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए लगातार चलाना है। फ्लेम लो ही रखनी है और अब इसको ठंडा होने के लिए निकाल लेना है। ये जो मैंने पहले मिक्सर जो मैंने निकाला था उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच बादाम और काजू का पाउडर डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें छोटे छोटे काजू या बादाम काट कर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये खाने में वैसे भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने जो बिना कलर का है मिक्सर उसको मैंने हथेली पे थोड़ा सा लिया है और इसके ऐसे छोटे छोटे हमने बॉल्स बना लेने हैं। ध्यान से, ये हल्का गर्म है और हल्का हल्का जब गर्म होगा तभी ये बनेंगे। अगर ये मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये बनेंगे नहीं। ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसमें इसके बॉल्स बनाने हैं। अब मैंने ये जो रेड कलर का है इसको लिया है, ऐसे दबा दबा के गोल करना है बिल्कुल हल्के हाथों से। ऐसे इसको दबा के और इसमें जो वाइट कलर का हमने बनाया है वो इसके अंदर प्लेस कर देना है ऐसे, और इसको दबा दबा के बिल्कुल गोल बना देना है। गोल लड्डू जैसे लड्डू बनाते हैं हम, सेम ऐसे ही ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ये।
ऐसे बिल्कुल ऐसे करते हुए हमें इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें इसके सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए मैंने यहाँ लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ थोड़ा नारियल का बुरादा लिया है और इस बुरादे में हम नारियल के लड्डुओं को कोट करेंगे और एक्स्ट्रा नारियल को ऐसे निकाल देंगे। ऐसे ही हमें सारे लड्डुओं को तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ लड्डू बनकर तैयार हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये लग रहे हैं ना बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू जैसे ही, ऐसे ही मिलते हैं ना मार्केट में। हमने ये नारियल से बनाए हैं। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ तोड़ के। वाओ देखिए कितने जूसी हैं और कितने सॉफ्ट हैं। आप इसे खाएंगे तो बिल्कुल मुंह में ये घुल जाएंगे। बिल्कुल झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसको सिर्फ 10 मिनट में मैंने कंप्लीट किया है। 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। लीजिए यहाँ मैं एक बार काट के दिखाती हूँ आपको। वाओ सो यम्मी लुक्स लाइक ब्यूटीफुल। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी ज़बरदस्त हैं। तो चलिए देर किस बात की है, इसको बनाइए खाइए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।